जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स पुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गुजरात पोस्टल सर्कल GDS का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ये फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी आगे स्टेप बाई स्टेप करके इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद स्टेप टू अप्लाई में आपको देखने को मिलेगा। स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन, तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर सब फिल करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना होगा, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, जूम कर लेता हूँ ताकि सही से दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आधार नंबर आपके पास है तो फिल कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं फिल करना चाहते छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आपका डेट ऑफ बर्थ आया था, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएँगे आपको यहाँ पर अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा, जो भी हो आप SC ST जो भी हो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करेंगे तो ये सब EWS का ओपन होगा, OBC सेलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला ओपन होगा, तो मैं अभी ST यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना होगा, नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे अगर आप फिजिकली हैंडीकेप हैं तो यस या नो कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकेप है तो यहाँ पर यस करेंगे, विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है आप मैट्रिक कहाँ से पास किए हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कब पास किए थे, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको बताया जाए कि आप सप्लीमेंट्रीज पास किए हैं या फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साइकिल चलाने आता है, यस या नो आपको कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो यस या नो कर लेना होगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ फ्रेंड्स, आपको कैप्चा फिल करना होगा, जो आपको ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करके देख लेंगे, या फ्रेंड्स अगर आपका सब सही है तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये सब फिल करके आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा यहाँ पे टिक करके। चलिए मैं फटाफट आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे फॉर्म फिल करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जितना डाटा आपने फिल करा था सब देखने को मिल जाएगा। नीचे आकर आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, चलिए मैं स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ इसका। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से इसको हटा देना है, आ जाना है अपने होम पेज पर। चलिए मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप जनरल OBC से अप्लाई किए हैं EWS से, तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ फ्रेंड्स आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके अपना पेमेंट कर लेना होगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आगे फॉर्म भरेंगे। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अप्लाई पर क्लिक करें और यहाँ फ्रेंड्स आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करें। उसके बाद यहाँ पे कहाँ से हैं आप, कर्नाटका हैं या गुजरात हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है, आ गया, मैं फिल कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट करता हूँ फिल करके। अगला पेज ओपन होकर आएगा, जो मैंने बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करें देखने को मिल जाएगा मुझे। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं, लोकलिटी लिख सकते हैं, अपना विलेज या सिटी लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट या पंचायत लिखेंगे, पिन कोड ये लिख कर यहाँ पे टिक करके इसमें भी फिल कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपने गुजरात में 10th पास किया है। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, मार्क्स। उसके बाद नीचे यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं इंग्लिश में कितना नंबर था, आप यहाँ पे फिल करेंगे जो भी आपका नंबर हो, जो भी हो इंग्लिश में है फिल करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे, गुजराती आपको आनी चाहिए तभी इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप फिल करेंगे, उसके बाद नीचे आप मैथ में कितने नंबर हैं, उसके बाद और भी यहाँ पर कितने नंबर हैं आप सेलेक्ट करके फिल कर लीजिएगा।
उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड फ़ोटो, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर, आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद और भी ये सब है आपका, सप्लीमेंट्री से पास किए हैं तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री वाला सप्लीमेंट्री टू आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद आपको ये सब टिक कर लेना होगा, ये सब आपको टिक करके उसके बाद कंटिन्यू आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ यहाँ पे अपलोड कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पे अपना कास्ट या EWS अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे, टिक करके फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका अगला पेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ये आपका सर्कल टाइप होगा गुजरात, और यहाँ पर अपना डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, जो भी आपका डिवीज़न हो। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, ये जनरल का है, ST का यहाँ पे है, डिवीज़न 2, कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और ST का ले लेता हूँ, ये है ST का, आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, डिवीज़न आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अलग अलग ऐसे ही कर रहा हूँ। ऐसे करके आपको अपना सारा फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करना होगा। ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल सेव हो गया। उसके बाद आपको ओके कर लेना होगा। ओके करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपका प्रिंट आउट ये देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे आपने जो डाटा फिल करा था सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, नीचे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मार्क्स देखने का आपका मिल जाएगा, आपने कौन कौन से फोटो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए देखने को मिल जाएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ फ्रेंड्स आपने जो पोस्ट सेलेक्ट करी थी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे मैंने अपना PDF सेव कर लिया है। अगर आपने भी कर लिया होगा तो आप इस पेज पर आएंगे और यहाँ पर अप्लाई पर फिर से क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। फिर से अगर आपको PDF डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से लॉग इन करके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, सर्कल डाल के अपना प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।